चीन जाने, कभी हम वेकेशन पे बाहर जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा चीज जो याद आती है वो पान होता है. खाने के बाद ऐसी क्रेविंग होती है ना पान की. तो उस जमाने में कत्था चूना नहीं होता था, बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डाले जा रहे होते हैं पान में. मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के पान में कितनी अफादियत छुपी. अगर आप उसे अगलम बगलम शगलम जो डालते हैं आप अपने मुंह के जायके के लिए वो ना डालें, ठीक है. तो अगर आप खाली, मेरी अम्मी तो पान से इतनी चीजें इलाज करती हैं, गला खराब होता था कहती है पान का पत्ता चबा लो, ठीक है. गला खराब होता है तो अम्मी कट लगा के पान के अंदर ना यहाँ बांध देती है बकायदा ऊपर रस्सी से, इस तरह वो कपड़े से बांध के ना. हाँ अच्छा, फिर क्या होता है, एंटी कैंसर है पान जो है वो, एंटी कैंसेरियस है. डेंटल इश्यूज को अच्छा करता है, जबकि क्या कहते हैं डेंटल सर्जन, ये जो आप पान खाते हैं उसकी वजह से आपके दांत खराब हो गए क्योंकि उसमें आप तंबाकू और आला बला डालते हैं. अगर आप खाली पान का पत्ता खाएंगे जरा ढंग से तरीके से तो वो आपके दांतों के इश्यूज को दूर करता है. फिर हाजमा अच्छा करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, कब्ज का खात्मा करता है पान, और तो और खांसी में फायदेमंद है, भूख बढ़ाता है, गैस्ट्रिक इश्यूज को दूर करता है. अक्सर इस एज में ज्यादातर गैस के प्रॉब्लम होते हैं. सर दर्द में फायदेमंद है, एंटी फंगल है यानी फंगस को दूर करता है, और आपकी मुंह की खुशबू को महकाता है, जाहिर है मुंह की बदबू को दूर करता है. अच्छा अब आज खाली हम पान के बारे में नहीं बता रहे, आज हम कत्थे के बारे में, चूने के बारे में, छालिया के बारे में, वो अज्जा जो पान में डाले जाते हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं. मगर मैं आपसे कहूँ कि कत्थे के क्या फायदे हैं, तो कत्था जो है वो मोटापा दूर करता है, खुश हो जाओ, शुगर को सही रखता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, फिर डायरिया की शिकायत अगर होती तो उसे दूर करता है, खांसी को सही करता है और दांतों की हिफाजत करता है. फिर आगे बढ़ो तो चूना, चूने के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो आपके जोड़ों के दर्द में फायदा देता है. चूने का पानी जोड़ों के दर्द का में फायदा देता है. मैं अभी आपको जब मिलवाऊंगी अपने एक्सपर्ट से तो वो आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे कि आप तो अपने पान दान को ना गले से लगा के सोएंगी सच्ची में. और हाँ, अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो उसको सही करता है, हाइट बढ़ाता है, सर्वाइकल पेन जो है उसको सही करता है, आपकी मेमोरी को तेज करता है, दांतों के दर्द को सही करता है, कमर दर्द में फायदा पहुंचाता है, जॉन्डिस की शिकायत को दूर करता है. और अगर आप छालिया के बारे में पूछे तो छालिया के बारे में मैं बताती चलूं, शुगर कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है छालिया, कब्ज दूर करती है, गैस के इश्यूज को दूर करती है, दांतों में कीड़े जो होते हैं उनको दूर करती है, स्किन इश्यूज को सही करती है, जख्म भरती है, दांतों के इश्यूज सही करती है. तो ये मतलब आप देखिए तो सही कितने सारे फायदे हैं. अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है कि एक छोटा